यूपी में पुलिस की गुंडागर्दी का नमूना अक्सर देखने को मिल जाता है। यूपी में ऐसे अक्सर कई वीडियो देखने को मिल जाते हैं जिसमें पुलिस आम जनता पर कहर बरताती दिखाई देती है। आए दिन सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो दिखाई देते हैं जो यूपी पुलिस की कार्यवाही पर सवाल खड़ा कर देते हैं। ऐसे ही कुछ वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो पुलिस और सरकार के रवैये पर सवालिया निशान लगा रहा है। इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से एक ट्रैफिक पुलिस एक कार वाले के पास पहुंचता है और उसे थप्पड़ जड़ने लगता है। ये मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर का बताया जा रहा है। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए एक एक्स यूजर अविनाश दीक्षित कानपुर पुलिस और यूपी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि ये अधिकार इनको किसने दिया। ट्रैफिक सिपाही के दबंगई देखिए, कैसे अभद्रता करते हुए चालक को जड़े थप्पड़। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कानपुर के संचेडी का है वीडियो। केवल यही नहीं, ये वीडियो देखिए, ये भी उत्तर प्रदेश का ही है। इसमें एक पुलिस वाला ऑटो चालक को धड़ाधड़ थप्पड़ बजा रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि बुजुर्ग हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है, लेकिन थप्पड़बाज पुलिस लगातार उसे थप्पड़ पर थप्पड़ मारता जा रहा है। ये वीडियो मेरठ का बताया जा रहा है। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए एक एक्स यूजर ने लिखा, ट्रैफिक पुलिस के TSI ने बुजुर्ग को सड़क पर पीटा। TSI द्वारा बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद TSI पर अभी तक कार्यवाही नहीं हुई। आपको बता दें, ये वीडियो मेरठ के बेगमपुर चौराहे का है। हालांकि ऐसे तमाम वीडियो रोज वायरल होते जा रहे हैं जिस पर पुलिस की कार्यवाही पर लोग सवाल खड़ा करते हैं। ऐसा ही एक वीडियो और है जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक दरोगा जी एक बाइक सवार के बाल नोच रहे हैं। यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन यह कौन सी जगह का वीडियो है यह कंफर्म नहीं है। एक पर एक यूजर ने लिखा है कि बाइक सवार ने दरोगा साहब के बगल से अपनी बाइक निकाल ली, जिससे नाराज होकर दरोगा साहब ऐसा व्यवहार बाइक चालक से कर रहे हैं। इन तमाम वीडियो को देखने के बाद सवाल खड़ा होता है कि आखिर उत्तर प्रदेश आम जनता की रखवाली के लिए है या आम जनता को प्रताड़ित करने के लिए। हालांकि इन सभी तमाम वीडियो के वायरल होने पर कानपुर पुलिस ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कार्रवाई की बात कही है। अपर पुलिस उपायुक्त यातायात श्रीमती शिवा सिंह ने कहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो हमारे संज्ञान में आया है जिसमें एक ट्रैफिक के हेड कांस्टेबल एक व्यक्ति के साथ रोड पर हाथापाई और अभद्रता करते पाए गए हैं। वीडियो संज्ञान में आते ही उस हेड कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है एवं संपूर्ण प्रकरण की जांच ACP ट्रैफिक को दी गई है। जांचों उपरांत उस पर विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। ऐसे तमाम वीडियो रोज आते हैं जिनकी चर्चा उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में होती है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां से देश की राजनीति की दशा और दिशा तय होती है। एक बड़ा विभाग यानी पुलिस विभाग इस तरीके से कार्यवाही करता है तो उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सवाल करना तो लाजमी है। हालांकि इस पर क्या एक्शन होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इन सब वीडियो को देखने के बाद यह जरूर सवाल उठता है कि क्या यही जीरो टॉलरेंस है।